हाय गाइज, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से हैं। तो आज जा रहे हैं हम बनाने फाफड़ा। और फाफड़े के लिए हमें क्या क्या चीज़ चाहिए वो देख लीजिए। नमक चाहिए, थोड़ा सा अजवाइन और तेल चाहिए। अब आप सरसों का भी ले सकते हैं और जो मीठा तेल आता है वो भी ले सकते हैं, रिफाइन। और एक कप में पानी, और ये बेसन, आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं। आप पिसवा के भी दाल जो रहता है अक्खी चने की दाल, वो पिसवा के भी ले सकते हैं। हमने ऐसे रेडीमेड पैक लेकर आया है। इसको पहले बाउल में जितना आपको बनाना है उतना निकाल लीजिए। ये 200 ग्राम था, लेकिन हम इसे आधे ही करेंगे, आधे ही को फाफड़ा बनाएंगे। आधा ये इसमें बच गया है, आधा इधर रख ली हूँ। इसमें एक चम्मच अजवाइन, इसको हाथ पे ऐसा लेके इसको थोड़ा ऐसा रब करेंगे। इसमें से खुशबू बहुत अच्छी आएगी अजवाइन की। इसको इसे रब करके थोड़ा सा बस इसके अंदर इसे डाल देंगे। और इसके अंदर फिर नमक डालेंगे, एक चम्मच मैं डाल रही हूँ। और थोड़ा सा तेल, बस इसको अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे। पहले तेल में इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, इसे अच्छे अच्छे आप ऐसे मिक्स करते जाएंगे। ये देखो ऐसे ऐसे गोल पोटली जैसे बन जाएगा, फिर ऐसे टूट भी जाएगा। ये ऐसा बनना चाहिए, एक जो एकदम चिपकू चिपकू सा आ जाएगा, क्योंकि टूटे ना तो वो ख़राब हो जाएगा। ऐसे रहेगी, ऐसे हाथ लगाओ तो टूट जाएगी। बस इतना ही कर लेना है। फिर इसके बाद में इसके अंदर पानी डाल के इसका टाइट डो बनाना है, खूब टाइट रहे, लूज बिल्कुल नहीं करना। जैसे हम रोटी के लिए आटा बनाते हैं उसके वैसा नहीं करना है, इसको एकदम सख्त डो रहे। बस इतने पानी डाल के इसको अच्छे से आप बनाते जाएंगे। थोड़ा टाइम लगता है, चलता है, लेकिन ऐसे कर लेंगे अच्छे से। अब इतने पानी में इसको मिक्स करते जाएंगे। तो ये ऐसे इकट्ठा हो गया इधर। अब इसको भी थोड़ा सा और डालेंगे, ज़्यादा टाइट हो रहा था, तो आपको भी ज़रूरत रहे तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, लेकिन ऐसे टाइट रहे। देखो ऐसे आप दबाएं तो थोड़ा सख्त रहे ये, ऐसे। तो ऐसे दबा दबा के अच्छे से गूंद लेंगे अच्छी तरीके से। देखो बहुत सख्त है ये। उसके बाद इसको आधे घंटे के लिए रख देंगे, 15 मिनट के लिए भी रख सकते हैं, आधे घंटे के लिए रख दो तो और अच्छा है। ऐसे इसको साइड में करके सिर रख देंगे, बस हो गया। अब ऐसे सख्त है, देखो ऐसे उंगली घुसाओ, टाइट रहना चाहिए इतना, बस ऐसे। अब इसको साइड में ऐसे रहने देंगे, फिर इसके बाद में बाद का प्रोसेस बताती हूँ। यहाँ पे देखिए आधा घंटा कंप्लीट हो चुका है, ये देखो इतना अच्छा सॉफ्ट हो गया है। अगर बाय चांस आपका डो टाइट रहे तो उसमें थोड़ा सा पानी डाल के पहले अच्छे से गूंद लीजिए, फिर इसके बाद तेल थोड़ा डाल के उसको अच्छे से चिकना ऐसे मार्बल पे रख के कर लीजिए। आप पीढ़े पे बना रहे तो भी कर लीजिए, आप मार्बल पे बना रहे फिर भी, मतलब कहीं भी आप कर सकते हैं। बस इसको ऐसे सॉफ्ट देखिए आप कितना अच्छा हो गया है, ऐसे ऐसे रहना चाहिए, बस ऐसे कंप्लीट। इसमें से छोटा छोटा बॉल निकाल लेंगे, आपको कितना लंबा बनाना है उस हिसाब से आप देखो ऐसे निकाल निकाल के ऐसे कर लेना है। छोटे छोटे टुकड़े में भी बनाएंगे फाफड़ा तो भी चलेगा, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। मच्छी जा रही है यहाँ पे, पकड़िए सब लोग इसको। मच्छी एकदम दिख रही है। सारे डो को हमने इसको ऐसे ऐसे करके रख दिया है यहाँ पे। अब उसके बाद इसको बेलेंगे। अब इसको अलग प्लेट में रख देती हूँ, उसके बाद इसको बेल के मैं बताती हूँ। अब इसको ऐसे आहिस्ते से हल्के हाथ से इसको पतला कर देंगे अच्छे से। जितना ही पतला रहेगा उतना ही अच्छा रहेगा। बस इसको उठाने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, पर आराम आराम से उठा लो तो अच्छा है। जितना ये पतला रहेगा उतना ही क्रिस्पी बनेगा,
मोटा करेंगे तो क्रिस्पी नहीं बनता है वो, आराम आराम से इसे ऐसे ऐसे आराम से इसको देखो ऐसे निकाल लीजिए। हाँ देखो बन गया कंप्लीट। ऐसे हम इसको दूसरे प्लेट में रख देते हैं, उसके बाद सेकंड इसको भी इसी तरह है। इसको भी ऐसे आराम आराम से उठाएंगे हल्के हाथ से, जहाँ ये जहाँ से ना अगर चिपके तो इसको ऐसे थोड़ा सा से प्रेस कर देने का हल्के हाथ से इसको, तो ये अच्छे से निकल जाता है। देखिए कितना अच्छा बन गया है, ऐसे ही रहेगा। देखो इतना पतला है दिख भी नहीं रहा है कि कितना है। बस ऐसे मैं सभी को बना लेती हूँ उसके बाद बताती हूँ। अब यहाँ पे सब कंप्लीट हो चुका है। हाँ और देखो ऐसे टूट भी जाता है बेलते समय, तो ये भी रहने देंगे, इसे भी तल लेंगे। और अगर आप इसे चाहें तो छोटा छोटा भी कर सकते हैं, ऐसे छुरी से कट कट मार सकते हैं, बारीकी से चूरा जैसे हो जाएगा। पैन को हमने गर्म करने रख दिया है, अब चलिए ये इस फाफड़े को तलते हैं। तेल डालेंगे, हम पैन में तेल डाल दिए थे उससे थोड़ा सा ये ऐसे डाल देंगे चेक करने के लिए। देखो फटाक से ऊपर आ गया, अब उसी पे ही अब इस सारे फाफड़े को ऐसे डाल देंगे। इसको उल्टी पलटी कर देंगे, इसको फटाफट से डाल देंगे। पतला रहता है इसलिए टूट भी जाता है, पर कोई नहीं है, वो क्रिस्पी रहेगा अच्छा लगेगा। और छोटा छोटा भी रहता है ना, क्रिस्पी रह जाता है वो भी अच्छा दिखता है। सभी को ऐसे दबा दबा के दूर कर लेंगे। बस उसके बाद इसको तेल से निकाल लेंगे इसको आराम आराम से सबको। जिस पे निकाल रहे हैं उस पे पेपर या टिश्यू पेपर कुछ भी जो आपके पास हो, नोटबुक का भी पेपर चलेगा, आप कर सकते हैं। डाल देंगे आराम आराम से डाल देंगे सब। डालते जाइए सर, वो ऊपर खुद बखुद आ जाएगा। बस इसको एक साइड से ऐसे पलटी कर दीजिए। इसको भी इसी तरह निकाल लेंगे, उसके बाद मैं पूरा बना लेती हूँ उसके बाद दिखाती हूँ। इसको आप ऐसे ऐसे करके भी कर सकते हैं, इसे पतला पतला छोटा छोटा चूरा जैसी बना के कर दीजिए। इसको भी फ्राई कर देंगे इसको भी, ये भी बहुत अच्छा लगेगा नमकीन जैसी दिखेगी। डाल देती हूँ उसी के अंदर, हाँ ऐसे छुरी के नोक से ऐसे उठा उठा के डाल दीजिए। कुरकुरा बहुत अच्छा बनता है, ट्राई जरूर करिए जनगर। कोई भी शेप का जो आपको पसंद हो उस शेप से बना सकते हैं, छोटा बड़ा आपके ऊपर है। चूड़ा जैसे ही अच्छा लगता है और कुछ नहीं, क्रिस्पी रहना चाहिए बस, मतलब ये है।
कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद ये रहा मिर्ची, मिर्ची की बारी यही तलने की। अब इसको गरम तेल में इसको ऐसे डालेंगे कि ढक्कन बंद कर देंगे, बस ये थोड़े टाइम में कंप्लीट हो जाएगा। मिर्ची फ्रीज कर निकालती हूँ मैं इसको। ऐसी आवाज़ आने लगे तुरंत गैस को बंद कर देने का, बस मिर्ची में से आवाज़ ऐसी कम आना शुरू हो जाए तो इसको निकाल लेंगे। ये तल चुका है, कंप्लीट हो गया है। सब यहाँ में कंप्लीट हो चुका है। देखिए ये जो मैंने छोटा छोटा काट के बताया था, ये भी इसमें देखो, देखो इसे टूटने की अच्छे से क्रिस्पी वाली आती है। और ये भी ऐसे ही हो गया है, देखो ये छोटा वाला, देखिए ऐसे हो गया, मस्त बारीक हो जाता है। ऐसे हो जाना चाहिए, थोड़ा ठंडा हो जाता है ना तो ये हो जाता है। जस्ट निकालो तो ये थोड़ा नरम रहता है, ऐसा लगता नहीं है कि हाँ होगा, लेकिन निकालने के बाद ये ऐसे हो जाता है क्रिस्पी। आई होप आपको फाफड़े की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आई होगी तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले प्लीज़। और भी आपको कुछ देर के बाद और मिलती हूँ। एक ओल्ड वॉच का पट्टी की अलग सी डिज़ाइन है, बहुत यूनिक है, आप देखिएगा ज़रूर, बहुत मज़ा आएगा, देखिएगा पसंद ज़रूर आएगा इंशाल्लाह। खुश रहिए, आबाद रहिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। आज लाई हूँ आप सभी के लिए बहुत अच्छे आइडियाज़। देखिए बहुत सारे लोगों के पास ऐसे वॉच पड़े रहते हैं, किसी के पास दो दो तीन तीन चार चार पड़े रहते हैं, किसी का बहुत फेवरेट रहता है, कोई गिफ्ट दिया रहता है कितने प्यार से, उसको फेंकने का दिल नहीं करता। अब वो घड़ी चाहे सस्ती हो या महंगी हो, लेकिन अच्छा गिफ्ट के तो गिफ्ट ही होता है। अब वो कितने प्यार से कोई दिया रहता है तो उसे हम कैसे फेंक सकते हैं, दिल ही नहीं करता। तो अभी जाओ दुकान पे लगाने पट्टे के लिए तो इतना ज़्यादा पैसा मांगते हैं, तो इंसान लगवाते ही नहीं कि जितने की घड़ी नहीं उतना तो पट्टा ही मांग रहे हैं, उसे फेंकना ही पड़ता है। तो आज इसीलिए मैं इस आइडिया से लेकर आई हूँ आप सभी के लिए। देखिए ऐसे पट्टे, आप पट्टे ऐसे बना के खूबसूरती बहुत अच्छा लगता है, अभी हाथ में पहनेंगे बहुत प्यारा दिखेगा, मैं पहन के दिखाऊंगी अभी। ऐसे आप बना सकते हैं, हम एक साइड का बना लिए हैं, अब एक साइड का बनाना बताते हैं। वेस्ट रहता है लेकिन इतना सुंदर बन जाता है, पहनने में इतना प्यारा लगता है माशाल्लाह। ये डोरी को हमने तीन कलर में किया है, आप इसको चार कलर में भी कर सकते हैं या और भी कलर में कर सकते हैं। और इसको आप, मैं पतला की हूँ, आप इसको थोड़ा चौड़ा भी कर सकते हैं, तो इसमें ज़्यादा आप कर लीजिए। तो हम तीन कलर का धागा लिए हैं, अब उससे ऐसे मोटा मोटा, देखो बहुत सारे लेयर हैं, इसको आपको जितना मोटा ये करना है पट्टी को, उसको आप ये ज़्यादा कम कर सकते हैं। अब ऐसे हम सब कलर को, ये दोनों कलर को भी ऐसे करके यहाँ पर रख लेते हैं, उसके बाद दिखाती हूँ। देखो ऐसे घुमा फिरा के यहाँ से वहाँ लेकर गए, फिर यहाँ से मोड़ के रिटर्न कर लेंगे, फिर यहाँ के लास्ट तक ऐसे करते जाएंगे। देखिए अब लेयर है कितना बड़ा है, अब इसको भी यहाँ से इस तरह करके, अब ये इसको फिर से घुमा के इसको थोड़ा मोटा हो जाएगा, ये इसे डाल लेते हैं, इसको डालेंगे, उसके बाद ऐसे गिट्ठक मार देंगे यहाँ पे, टाइट हो जाए ताकि वो इधर उधर दौड़े ना। ऐसे सभी कलर को कर लेना है। वापस से गट्ठी मार देना है यहाँ पे, यहाँ पे पक्का ऐसे हो जाएगा यहाँ पे। से ग्रीन वाले को भी ऐसे कर लेंगे, यहाँ पे लगा के हो गया है। अब इसको हम तीन भाग ऐसे कर लिए हैं, अब इसको अच्छे से गूंद देंगे, ऐसे ऐसे बाल गूंदते ना लेडीज लोग के उसी तरह। इसी तरह से गूंद लेंगे, देखिए ये साइड का ये गूंद के जितना ये था उतना ही इसको भी गूंद लिया है। अब यहाँ पे गिट्ठक मारेंगे,
ऐसे करके यहाँ से टाइट कर देंगे अच्छे से। अब इसका ये झूमर कैसे बनेगा इसको भी बताती हूँ। मैं ऐसे लेंगे चारों उंगलियों के बाहर इसे घुमाते रहना है। इसे घुमाते जाइए ऐसा ये मोटा हो जाएगा। आप उसको एक कलर का भी कर सकते हैं झूमर को और बहुत सारे कलर कर सकते हैं। ये कंप्लीट हो गया ऐसे मोटा सा। अब इस हम इसे जो ग्रीन कलर और ये मैरून कलर का है इसका भी बना लेते हैं इसी तरह। नो कंप्लीट हो चुका है ये भी सब। अब इसको एक में ऐसे करके ऐसे फैला लेंगे ये। अब उसके बाद में इसको इसके बीच में रखेंगे बिल्कुल इस तरह। उसके बाद इसके बीचों बीच में इसे गिट्ठक मार देंगे। खूब टाइट मारिए। उसके बाद एक और मार लीजिए। बस यहाँ पे गिट्ठक लगा के रख दिए हैं ऐसे। अब इसको आगे से काट लेंगे। एकदम बराबर से काट लेंगे सफाई से। आप इसको भी छोटा बड़ा कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब इसको एकदम जो ये वाला छोटा पार्ट है उसके पूरा बराबर कर लेंगे कैंची से काट के। अब एक साइज का ये कट चुका है देखिए, एक साइज का बराबर हो गया है। अब यहाँ पे भी ऐसे थोड़ा दबा के इसको और यहाँ पे भी ऐसे दो तीन धागे से इसे लेयर से बना देंगे। अब इसको भी दिखाते हैं। इसी पे इसे लपेट देंगे खूब टाइट। अब सब कंप्लीट हो चुका है यहाँ से यहाँ तक दोनों साइड से। अब इसको हाथ पे कैसे पहनेंगे ये भी मैं बताती हूँ। हाथ पे अब यहाँ से सिगट्ठे मार देने यहाँ पे। देखिए कंप्लीट हो चुका है यहाँ से यहाँ तक। आप इस पर एक दो मोती भी डाल सकते हैं आप अपने हिसाब से। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है माशाल्लाह। अब ये कंप्लीट हो चुका है। अब हमें कुछ मार्केट से ख़रीदना है तो चलो हम चलते हैं शॉपिंग करने। जो जो लाऊंगी दिखाऊंगी इंशाल्लाह। देखिए माशाल्लाह कितना सुंदर दिख रहा है। अब अंकल आ रहे हैं अभी। पुरानी चीज़ को आप नया कर सकते हैं ऐसे ही। देखो सब मार्केट आए हुए हैं। देखिए प्लांट्स कितने प्यारे प्यारे माशाल्लाह। देखिए इधर सब साड़ीज मिलते हैं लेडीज के। सारे अच्छे अच्छे लगते हैं माशाल्लाह। यहाँ पे सब देखिए सब शॉप खुली हुई है। वाह सो क्यूट। देखिए कितनी प्यारी लग रही है ये। यहाँ पे सब बच्चे लोग का खिलौना मिल रहा है। बहुत सारे सामान है। यहाँ पे सब शूज़ की दुकानें हैं। यहाँ पे सारी सिंपल सिंपल। और यहाँ पे भी यहाँ पे लोग कितने प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। लोग इधर लहंगा पहने हुए। यहाँ पे सारे बैग किए हुए। यहाँ पे भी सारी सारी मिल रही है। यहाँ पे देखिए बड़े लोग का सारे बच्चे हैं। यहाँ पे भी देखिए वाह कितना खूबसूरत कुर्ता है। यहाँ पे देखिए हमारे भी छोटे कपड़े पहने।
हमारे मिलावटी नहीं ना। वड़ा पाव खा रही दोनों जन, सब लोग खा रहे हैं। यहाँ देखिए सब दुकान खुली हुई है। वाह ऊपर देखो गाउन कितने अच्छे अच्छे लगे हुए हैं, इतने मस्त लगते हैं ना, पूछो मत। यहाँ पे देखिए